किस सोर्स से मिली है वो मैं भी कहूँगा, और आप भी जानते हैं। मैं नहीं जानता सर। हाँ, मैं कुछ जानता। बहुत ही कुछ हुआ तो मेरे चैम्बर में आओ। ये जो NCERT की टेक्स्ट बुक्स में संविधान के प्रियम्बल को हटाया गया है, बीजेपी सरकार ने पराजय के बाद पहले तो बाबा साहेब की प्रतिमा, गांधी जी की प्रतिमा को हटाकर, नहीं आपको क्यों इतना दर्द होता? हम जो कहते हैं हम कहते नहीं, उसको अगर रिप्लाई देना है तो वो देने दो। बीजेपी सरकार ने पराजय के बाद पहले बाबा साहब और महात्मा गांधी जी की प्रतिमा को हटाकर अलग किया। RSS और बीजेपी अपनी सांप्रदायिक विचारधारा को देश के लोगों पर थोपने के लिए पाठ्यक्रम के साथ छेड़छाड़ कर रही है। दिस वीडियो स्पॉन्सर्ड बाय महालक्ष्मी ज्वेलर्स, मनो मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, KVN यूनिवर्सिटी, भारत चिकन सेंटर, अलशरे ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, बेग न्यूरो साइकेट्री हॉस्पिटल, अलीमी पब्लिक स्कूल एंड बाय रिच टी, स्वाद में रिचनेस। जानकारी मिली है, किस सोर्स से मिली है वो मैं भी कहूंगा, और आप भी जानते हैं। मैं नहीं जानता सर। हाँ, मैं कुछ जानता नहीं। आप बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन सबको ऐसा अपने बातों से ये कहते हैं कि जो मैं कह रहा हूँ वो ठीक है, आप जो कह रहे हैं वो ठीक नहीं है, ये हमेशा आप बोलते हैं। बहुत ही कुछ हुआ तो मेरे चैम्बर में आओ, तो ये इसीलिए सर मेरा। पर आप कभी चैम्बर में आए नहीं। नहीं मैं सर, एक काम कीजिए, आज आप मेरे चैम्बर में ये डिस्कस करने के लिए आइए। नहीं नहीं, ये इम्पोर्टेंट है सर, क्योंकि इतना महत्वपूर्ण है। और ये जो NCERT की टेक्स्ट बुक्स में संविधान के प्रियम्बल को हटाया गया है, और टेक्स्ट बुक्स में संविधान का प्रियम्बल अब तक प्रिंट हुआ करता था पहले। प्रियम्बल हमारे संविधान की आत्मा है, ये हमारे संविधान और लोकतंत्र का फाउंडेशन, प्रिंसिपल्स जैसे जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी और इनके वैल्यूज को दर्शाता है। ये इतना रहते हुए भी, और एक बार मैं ये भी बताना चाहता हूँ, जब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में ये बात चली और भाषण भी हुआ, जब 25 नवंबर 1949 को ये कहा गया कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में, वी मस्ट मेक आवर पॉलिटिकल डेमोक्रेसी ए सोशल डेमोक्रेसी एज वेल, ए पॉलिटिकल डेमोक्रेसी कैनॉट लास्ट अनलेस देयर लाइज एट द बेस ऑफ इट सोशल डेमोक्रेसी। वॉट डज सोशल डेमोक्रेसी मीन? इट मीन्स ए वे ऑफ लाइफ विच रिकॉग्नाइजेस लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी एज द प्रिंसिपल्स ऑफ लाइफ। दीज प्रिंसिपल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी आर नॉट टू बी ट्रीटेड एज द सेपरेट आइटम्स in the Trinity. They form a union of Trinity in the sense that to avoid to diverge one from the other is to defeat the very purpose of democracy. आप सभी इस बात के बात से सहमत होंगे कि हर नागरिक को और खास तौर पर हमारी भावी पीढ़ी को स्वतंत्रता सेनानियाँ, संविधान निर्माताओं, लोकतंत्र संविधान और उसके फाउंडेशनल प्रिंसिपल्स एंड वैल्यूज के बारे में जानना ही चाहिए। हमारे महान नायक महात्मा गांधी जी, पंडित नेहरू, डॉक्टर अम्बेडकर, सरदार पटेल, मौलाना आज़ाद और अन्य आज़ादी के आंदोलन में इन मूल्यों के लिए कितनी कुर्बानी दी है ये आप जानते हैं। बीजेपी सरकार ने पराजय के बाद पहले तो बाबा साहेब की प्रतिमा, गांधी जी की प्रतिमा को हटाकर, सर योर सब्जेक्ट यू आर डिबेटिंग। नहीं ओके, मैं छोड़ के आ गया। नहीं नहीं, आपको क्यों इतना दर्द होता? हम जो कहते हैं हम कहते नहीं, उसको अगर रिप्लाई देना है तो वो देने दो।
बीजेपी सरकार ने पराजय के बाद पहले बाबा साहब और महात्मा गांधी जी की प्रतिमा को हटाकर अलग किया, फिर संविधान से छेड़छाड़ हो रही है। पर मैं चेतावनी देता हूं कि ऐसे बदलाव देश के लोगों को स्वीकार नहीं होगा। आरएसएस और बीजेपी अपनी सांप्रदायिक विचारधारा को देश के लोगों पर थोपने के लिए पाठ्यक्रम के साथ छेड़छाड़ कर रही है, और एनसीईआरटी ने ये जो कदम उठाया है ये ठीक नहीं है। एक मिनट में खत्म करता हूँ सर। मैं इस विषय में सरकार से मांग करता हूँ कि पाठ्यक्रमों में हुए बदलावों को लेकर एक विस्तृत तत्व सदन के सामने रखे, इस मुद्दे पर सरकार स्पष्टीकरण दे और संविधान के बारे में अपना कदम वापस ले। जो एनआरसी अपने सिलेबस में बदलाव किए हैं यह अच्छा नहीं है, इसीलिए वो। और मैं, आपने मुझे कई में है कहाँ है ये आपने पूछा सर, ये है एक्स फॉल्स ऑन प्रियामल इन स्कूल टेक्स्ट बुक। सर 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 सुनिए, ये है, सुनिए सर सर सर, यू मेड योर पॉइंट, जीरो आवर सर। और सर इसको सर मोदी साहब ने नमस्कार कर रहे हैं, पेपर नीड नॉट बी शोन, और उन्होंने ही इसको खत्म करने का। दिस वीडियो स्पॉन्सर्ड बाय महालक्ष्मी ज्वेलर्स, मनु मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, केवीएन यूनिवर्सिटी, भारत चिकन सेंटर, अल शरे ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, बेग न्यूरो साइकेट्री हॉस्पिटल, अलीमी पब्लिक स्कूल, एंड बाय रिच टी, स्वाद में रिचनेस।